नमस्कार दोस्तों मैं आशीष संतिल जब भारत आजाद हुआ तो इसके एक नहीं दो नहीं तीन टुकड़े किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा यहां पर बहुत सारे प्रांत थे आप जानते हो एक बना पाकिस्तान एक बना हिंदुस्तान और एक बना बांग्लादेश लेकिन वो सब कुछ कैसे हुआ इस स्टोरी को एक बार समझते हैं जब भारत गुलाम था यहां पर ग्यारह ग्यारह प्रांत हुआ करते थे प्रांत मतलब प्रोविंस जैसे आज अट्ठाइस राज्य है वैसे उस टाइम राज्य नहीं प्रांत यानी कि प्रोविंस बोला जाता था उन्हीं में से दो सबसे बड़े डिस्प्यूट थे ग्यारह के ग्यारह दिखा सकता हूं लेकिन पहले दो समझना एक था बंगाल बंगाल एक बहुत बड़ा इलाका इस प्रकार से हुआ करता था, था काफी बड़ा इलाका और यहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों एक बड़ी तादाद में रहा करते थे तो वैसे तो फैसला हो गया था जहां हिंदू ज्यादा वो हिंदुस्तान में यानी कि इंडिया में रहेंगे और जहां मुस्लिम ज्यादा वहां पर वो पाकिस्तान यानी कि अलग देश में चले जाएंगे ये हुआ था मोटे तौर पर ऐसा नहीं सबके साथ कश्मीर के साथ ऐसा नहीं हैदराबाद के ऐसा नहीं लेकिन बहुत सारे इलाकों के साथ ऐसा नहीं हुआ था लेकिन तौर पर, बंगाल में हिंदू और मुस्लिम ज्यादा थे अब सॉल्यूशन कैसे करें तो हुआ क्या इसके दो टुकड़े किए गए एक बना ईस्ट बंगाल एक बना वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल को ही ईस्ट पाकिस्तान कहा गया था क्योंकि पाकिस्तान दो बने थे जी हाँ चौदह अगस्त को जो पाकिस्तान आजाद हुआ था वो दो थे एक तो ये जो आप बचपन से देखते आए हो सुनते आए हो वेस्ट पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान और एक ये ईस्ट बंगाल को ही ईस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया आई रिपीट ईस्ट बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान बोला गया और बाद में यही अपने के साथ ही नहीं रह पाया, यहां पर विरोध हुआ बगावत हुई और 26 26 मार्च को उन्नीस को यहां पर शेख मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान ने आजादी की लड़ाई की घोषणा कर दी आज भी बांग्लादेश हर साल 26 मार्च को बांग्लादेश दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस मनाता है लेकिन यह तो घोषणा थी उसके बाद एक बड़ा संघर्ष हुआ लड़ाई हुई पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं उतार दी बहुत खून खराबा हुआ 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और फाइनली भारत ने इंटरफेयर किया मुक्ति वाहिनी को मदद दी और एक जंग शुरू हुई दिसंबर उन्नीस सौ इकहत्तर में तीन दिसंबर को जंग शुरू हुई थी भारत और तो पाकिस्तान की और 16 दिसंबर को जंग खत्म हो गई सिर्फ 13 दिन में दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लड़ाइयों में से एक रशिया पिछले डेढ़ साल से लड़ रहा है यूक्रेन के साथ सिर्फ तेरह दिन के अंदर लड़ाई खत्म और यह बन गया बांग्लादेश यानी कि 16 दिसंबर 1971 को यह पूर्णतः जीत गया विक्ट्री डे जिसको मनाते हैं आज भी और ठीक इसके एक साल बाद इसका संविधान बन गया तो बंगाल प्रांत का क्या हुआ ईस्ट जो कि मुस्लिम मेजोरिटी था ईस्ट बंगाल बना वेस्ट जो कि हिंदू मेजोरिटी था ईस्ट वेस्ट बंगाल बना और वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल आज भी भारत का एक राज्य है आपको पता ही होगा और कुछ लोग सोचते हैं, पश्चिम बंगाल तो पश्चिम में होगा पश्चिम बंगाल पश्चिम में नहीं है वो पूर्व में है वो पश्चिम इसका लिए नाम है क्योंकि वो बंगाल का पश्चिम है बंगाल का पश्चिम है, है ना और रही बात ईस्ट बंगाल का पहले बना ईस्ट पाकिस्तान 26 मार्च को घोषणा हो गई आजादी की लंबी लड़ाई चली भारत का इंटरफेयर हुआ 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हुई उन्नीस को सोलह दिसंबर को बांग्लादेश का हैप्पी बर्थडे हो गया और उसके बाद एक साल साल बाद 16 दिसंबर को ही उसका संविधान भी बन गया उन्नीस सौ में सेवेंटी में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में और भारत के सहयोग से अब चलते इस वक्त इस एक और प्रोविंस के ऊपर और दूसरा प्रोविंस था एक बहुत बड़ा ए इतना ये सारा ये था पंजाब अब यहां पर भी इसके दो टुकड़े किए गए एक बना वेस्ट पंजाब एक बना ईस्ट पंजाब वेस्ट जहां मुस्लिम ज्यादा थे और ईस्ट जहां हिंदू और सिख ज्यादा थे सिख और हिंदू पंजाब पंजाब आज भी भारत का छोटा मोटा बच्चा या कुछ ना समझ लो कहते हैं पंजाब को पांच नदियों का इलाका बोलते हैं लेकिन वहां पर पांच नदियां तो बहती नहीं वहां पर तो केवल रावी और ब्यास बहती है पंजाब बहुत बड़ा पंजाब था इस इलाके से सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सिंधु चिनाब रावी व्यास पांचों की पांचों नदियां गुजरती थी और गुजरती है बट फर्क पंजाब दो देशों में जाना जाता है एक पाकिस्तान में एक हिंदुस्तान में पंजाब पांच नदियों का इलाका जिसको हम बोलते हैं तो वो बना वेस्ट पंजाब जिसकी राजधानी लाहौर थी और पूरे पंजाब की बोलू तो सर्दियों की राजधानी लाहौर और गर्मियों की राजधानी शिमला थी लेकिन बाद में बंटवारा हुआ भारत का पाकिस्तान बन गया वो और पंजाब भी पाकिस्तान में चला गया और हिंदुस्तान वाले पंजाब में तीन राज्य थे कौन कौन से हरियाणा पंजाब हिमाचल हरियाणा पंजाब हिमाचल ये हिंदुस्तान वाले में थे पहले इसकी राजधानी शिमला ही रखी गई और बाद में ये तीनों इलाके भी अलग अलग होते चले गए हिमाचल अलग बना हरियाणा पंजाब 1966 में 1961 में 66 में अलग हो गया और दोनों की राजधानी चंडीगढ़ बन गई तो ये दो प्रांत प्रोविंस आपको डिटेल में समझने जरूरी थे। पंजाब दो देशों में है पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज भी है ठीक है हमारे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और वहां के लाहौर जिसकी हम बात कर रहे हैं और बंगाल की भी एक इतिहास समझा बांग्लादेश भी आपने देखा खैर ऐसे ऐसे मुद्दों पर इकहत्तर की लड़ाई 1971 की लड़ाई भी मैं डिटेल में कराऊंगा जरूर कराऊंगा क्योंकि आपको पता है क्या कि मैं फिर आऊंगा जरूर आऊंगा नमस्कार